भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोला नारायणपुर में पिता को पेड़ से बांधकर उसके सामने में बेटे को इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक प्रदीप यादव का बड़ा बेटा 25 वर्षीय शेखर यादव बताया जाता है। परिजन हत्या का आरोप सैनो पंचायत के मुखिया भैरव यादव पर लगा रहा है। उनका कहना है कि जमीन को लेकर भैरव यादव से विवाद चल रहा था। मुखिया जबरदस्ती रास्ता मांग रहा था, इसी को लेकर वो हमेशा हत्या कर देने की धमकी देता था। घटना के संबंध में मृतक के छोटे भाई मनीष यादव ने बताया कि शनिवार को मायागंज से वो अपने हाथों का बैंडेज बदलवाने गया था। लौटने के क्रम में बीच रास्ते में मुखिया के तीनों पिता और पुत्र को घेर लिया और इनके पिता को खजूर के पेड़ में बांध दिया। इसके बाद मुखिया ने बड़े भाई को निशाना बनाते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी, जबकि मनीष को उन लोगों ने मारपीट कर भगा दिया। उसके द्वारा जब इस घटना की सूचना परिजनों को मिली और परिजन दौड़कर वहां पहुंचे, तब तक सभी भाग चुके थे। आनन-फ में शेखर को मायागंज अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजन का कहना है कि मुखिया के द्वारा चुनावी रंजिश में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन